हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो। रस्सी गले में डालने था तो हमारी जो आवाम आज हमको हार पहना कर इस तहरीक को कामयाब कर दी है। हमारे जो अधिकारी साहब कारपोरेशन के खड़े हैं और हमारे पुलिस पुलिस डिपार्टमेंट आज हमारी तरफ पूरी तवज्जो दी, हमारी मदद करी कि लोगों की जान आसान नहीं होती, इसलिए हमारी मांग को कारपोरेशन ने पूरी कर दी है। आज दिन के अंदर यहाँ पे दो दिन नागे से पानी और पानी टैक्स का जो एक दिन नागे से जो पानी है और 5% जो टैक्स लगाया जाता है वो तुरंत खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा ऐलान साहब ने कर दिया है। तो हम शहरियान से भी अपील करते हैं कि इस कारपोरेशन जो हमारे साथ अच्छा सलूक करेंगी तो हमारा भी कारपोरेशन के साथ अच्छा बर्ताव होना चाहिए। आने वाले तमाम ही लोगों का हम पुलिस डिपार्टमेंट अधिकारी साथी लोग अदारे के लोग सभी लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं और खत्म कर दे। कारपोरेशन कर रही है और कोई तवज्जो नहीं है। इस शहर में मुनाफिक लोगों का राज आ गया है। आवाम भोली भाली है, भोली भाली आवाम को एरा बनाकर सत्ताधारी करने वाले लोग ये बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ना कोई प्रशासक का दबाव है, ना कोई प्रशासक कोई हक में पब्लिक के काम कर रही है। इनको जो समझ में आता है, जैसे समझ में आता है, कागज काला करते हैं और करोड़ों रुपए, हजार करोड़ रुपए के ऊपर सालाना नल पट्टी यहाँ वसूली जा रही है और ये बोलते हैं कि आर्थिक परिस्थिति हमारी खराब है। हमारे पास ये दुनिया भर के शहर के जो कामकाज मिलते हैं यही बोलते हैं कि आर्थिक परिस्थिति नहीं है, हम बजट नहीं दे सकते और हजारों करोड़ रुपए ये नलपट्टी टैक्स ये जाता कहाँ है। CBI इसकी जांच करना चाहिए, हाई लेवल की इसकी इंक्वायरी होना चाहिए मालेगांव महानगर पालिका की। 1 लाख शिंदे जी, आप मुख्यमंत्री हो, आपने इस शहर के लिए सिर को फोन कर बोला था मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे शहर का कोई भला नहीं हो रहा है और कोई भला कर भी नहीं रहे। यहाँ पे हिंदू मुसलमान भाई सबका फायदा है, सिर्फ एक धर्म के लोगों का फायदा नहीं है, ये पूरे शहर की जनता की भलाई है। ये जो टैक्स सबको भरना पड़ता है मगर हमारे शहर की आवाम भी आंख नहीं खोल रही है कि किसको सत्ताधारी बनाना। उड़ाते हैं वोट देकर, वो चाहे कुछ भी करे। आज हमारे सर पर इलेक्शन भी है, हमको कैसे आसानी हो हमारे भोले भाले गरीब लोगों का जो नुकसान हो रहा है। आज वो अपने बच्चों को तालीम का पैसा यहाँ पर भर रहे हैं, आज बेचारे मजदूर लूम चलाने वाले लोग आज उनके खीसे का पैसा कारपोरेशन छीन रही है। हर साल पानी पट्टी के कई ऐसे टैक्स हुए जो बलजबरन वसूलती है कारपोरेशन। हमारा यही मुतालबा है, हमने डिमांड रखी है कि हमारी मांग पूरी नहीं करती है कारपोरेशन तो हम यहाँ पर फांसी देंगे और हम फांसी देने आए हैं। आज हमारे पीछे पुलिस डिपार्टमेंट खड़ा है, हमको हिलन नहीं दे रहा है मगर हम फिर भी अगर हमारी जान गई भी तो उसकी परवाह नहीं करेंगे। और अभी हमारे शहर के चारों तरफ डेमों में जो पानी है 100% माना जाता है, ये पानी हर एक दिन नागे से मालेगांव शहर की जनता को मिलना चाहिए। माजी नगर सेवक अंसारी आयाज अहमद मोहम्मद सुल्तान भाई, इन्होंने जो पानी पट्टी में 5% जो वाड़ है तो वो रद्द करने के लिए और एक दिन बाद पानी मिलने के लिए ये निवेदन दिया है। तो जो 5% की जो वाड़ है तो वो वाड़ कम करने के लिए इससे पहले ही मंत्रालय स्तर पर प्रस्ताव दिया हुआ है और जल्द से जल्द उसमें वो 5% की वाड़ रद्द होने की ऐसा लग रहा है और उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट है तो वो दिए है, वो जल्द से जल्द शायद अगले 8-10 दिन में ही वो रद्द होने का ऑर्डर मंत्रालय से मिल सकता है। और कमिश्नर साहब ने अभी जो पिछले अपने धूप के समय में पानी कम होने की वजह से अपने यहाँ पे 3 दिन के बाद पानी आता था तो अभी जो डैम है डैम में पानी की लेवल अच्छा आ गया है और उसके लिए भी पानी पुरवठा विभाग की मीटिंग ली गई है और उसके 1 दिन के बाद पानी करने के लिए जो कुछ मुनासिब चीज़ें करनी है तो उसके बारे में कमिश्नर साहब ने जो इंजीनियर है जो वॉलमन है उन सबको ऑर्डर दे दिए है, वो भी जल्द से जल्द वो 1 दिनार पानी का नियोजन
शुरू होगा और उससे पहले सब आवाम को वो इत्तला कर दिया जाएगा। तो मैं अभी इनसे गुजारिश करता हूँ कि आपकी जो मांगे है तो उस पर कार्रवाई हो रही है, तो कृपया आप ये जो इसकी वजह से कल मीटिंग हो गई है, मीटिंग में वो तय भी हो गया है कि 8 दिन में वो बाकी जो कुछ इंतज़ाम करने पड़ेंगे, कुछ जो अपनी पंपिंग मशीनरी है, कुछ रिपेयर या कुछ जो भी थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, तो 8 दिन में होने वाला है। तो कल ही कमिश्नर साहब ने हो जाएगा, अगर नहीं हुआ और ये लोगों ने ऐसा कदम उठाया तो नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं आएगी।